हे गाइस, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? और आज फिर से कंप्यूटर की क्लास में आपका वेलकम है। कंपोज ईमेल के बारे में बात कर रहे हैं। कंपोज बड़ा खूबसूरत लगता है सुनने में। कंपोज उतना ही प्यारा है जब हम ईमेल किसी को ईमेल भेजते हैं और जब वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाती है, मज़ा आ जाता है सच्ची में। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम ईमेल कंपोज करते हैं। चलिए एक दो हफ्ते इसी पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि बेहतरीन कंपोजिशन आपको ईमेल का करना आ जाए। आज हम कंपोज मेल में नेविगेट करेंगे, ठीक है? तो ओके, उसके बाद रिप्लाई फॉरवर्ड पे सब पे बात करेंगे। पहले हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे कंपोज मेल कैसे होता है। तो हम लोग जीमेल अकाउंट आपको पता है कैसे खोलना है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पे मुफस्सिल तौर पर कोई गुफ्तगु करनी चाहिए क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग समझ चुके हैं कैसे खोलना है जीमेल अकाउंट। दोस्तों, अब जब जीमेल अकाउंट खोल लें तो मैंने कहा था तीनों में से कोई एक मेथड फॉलो करें कंपोज मेल में आने के लिए, या तो ऑल्ट सी या फिर टैप टैप से कंट्रोल होम करके। पहले क्या करना है, सबसे पहले एक शर्त बताई थी कि बेसिक एचटीएमएल को सेट कर लें। बटन आता है बेसिक एचटीएमएल बटन, सबसे पहला ऑप्शन होता है वो अकाउंट खोलने के बाद। कंट्रोल होम करेंगे तो उस पर एंटर कर लें, फिर या फिर एलिमेंट लिस्ट इंसर्ट F7 करके CC से कंपोज मेल पर जाके एंटर कर दें। आप तीनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। जब भी हमारा कंपोज मेल में कर्सर जाएगा, यहाँ होगा टू, क्या होगा टू, और अगर स्क्रीन रीडर ना बोले तो एक बार टैप करें। एक बार टैप करेंगे तो CC आ जाएगा, इसीलिए आप फिर से शिफ्ट टैप करेंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि आप टू में हैं। नहीं तो आप इसके लिए टाइटल चेक कर सकते हैं इंसर्ट T, और हो सकता है कि वो आपका टाइटल से ना बताए। तो आप एक काम कीजिए, फोकस चेक कीजिए। फोकस कैसे चेक करेंगे, इंसर्ट टैब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि फिर भी नहीं बताया फोकस से स्क्रीन रीडर ने तो आप टैप करें, और टैप करने के बाद शिफ्ट टैप कर दें जिससे कि आपको टैप करने से CC पे आएंगे, शिफ्ट टैप करने से टू पे आ जाएंगे और आपको यकीन हो जाएगा कि आप टू में हैं। तीनों तरीके बता दिए मैंने, अब टू का मतलब ये है। तो टू राधा शर्मा फ्रॉम बुशरा खान, टू राधा शर्मा फ्रॉम बुशरा खान, क्या मतलब है इस बात का? तो इसका मतलब है कि बुशरा मैम ने, ये बुशरा दीदी जो भी कहिए, ने भेजा राधा मैम को क्या भेजा, ईमेल भेजा। तो टू कौन है यहाँ पे, राधा मैम है, ठीक, क्योंकि मैंने, मेरी तरफ से गया है तो मैं फ्रॉम में रहूँगी। तो अभी मैं कहाँ हूँ, टू में हूँ। अब मैं यहाँ लिखती हूँ radhasharma@gmail.com, RADHASHARMA, राधा शर्मा शिफ्ट टू के साथ एट लगाएंगे, gmail.com, कहीं भी कोई स्पेस की गुंजाइश नहीं है। आप स्पेस मत दें, और जब भी ईमेल आईडी बनाएं इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें कि ईमेल आईडी स्मॉल लेटर्स में बनाएं, कभी भी शिफ्ट इनेबल ना करें या कैप्स लॉक इनेबल ना करें, इस बात पर ध्यान दें, ठीक है? तो radhasharma@gmail.com। अब मैं करती हूँ यहाँ पर क्या, टैब। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर कोई CC में किसी को रख सकती हूँ। तो चलिए मैं एक और डालती हूँ CC में, यहाँ पर डालती हूँ qcl@gmail.com। CC में डाल दिया मैंने qcl@gmail.com। अब ये राधा मैम को भी जाएगा, और साथ में QCL को मैंने CC कर दिया है तो QCL के ईमेल पर भी जाएगा ये। अब मैं टैप करती हूँ BCC। अगर मान लीजिए मैंने CC में एक से ज़्यादा ईमेल आईडी रखी होती और मुझे उनमें से किसी को चाहती कि नहीं, इसको CC नहीं करना चाहिए, इसको CC कर दिया है तो अब भी, मतलब मैं चाहती हूँ कि इससे अपना ईमेल हिडन रखूँ, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी कर दूँगी, BCC में एक बार फिर से उसका ईमेल आईडी डाल दूँगी, तो ये हो जाएगा BCC। अभी मैं कुछ नहीं आगे ज़्यादा बताऊँगी, सिंपल सा बेसिक सा बताऊँगी। तो टैप करेंगे, टैब में अटैच फाइल, अटैच मोर फाइल आएगा, उसको छोड़ दीजिए, अभी बाद में बताऊंगी। इसमें फाइल अटैचमेंट करके भेज सकते हैं, नहीं पहले टैब करेंगे, सब्जेक्ट लिखिए, पहले तो आप सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट किस विषय पे हम राधा मैम को ईमेल कर रहे हैं।
तो विशेस फॉर नेक्स्ट मंथ लिख दिया मैंने, विशेस फॉर नेक्स्ट मंथ, या विशेस फॉर राधा मैम बर्थडे, है ना। तो जो भी कुछ लिखना है, कुछ भी लिख दें सब्जेक्ट में, लेकिन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। फिर टैप करके आप अटैच फाइल, अटैच मोर फाइल को छोड़ दें, अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी सिंपल बता रही हूँ यहाँ पर। और टैप करें मैसेज बॉडी में, कोई मैसेज लिखते हैं, लिखते हैं हेलो मैम, हाउ आर यू, आई डिडेंट हियर योर वॉइस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाँ, बिकॉज यू आर सो हार्ड वर्क लेडी, दैट्स वाई एवरीबडी वॉन्ट्स टू हियर योर स्वीट वॉइस। कुछ स्वीट ईमेल हो गया ना, कुछ थोड़ा सा स्वीट हो गया, तो कोई बात नहीं, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, सब चलेगा। फिर टैप करते हैं टैप करते, अभी मैंने ये लिख दिया है मैसेज मैसेज में। फिर नेक्स्ट में लिख देती हूँ मैम, आई वुड लाइक टू सेंड यू, ये बस इतना लिख दूँ, आई वुड लाइक टू सेंड माई गुड विशेज फॉर योर बर्थडे, विश यू वेरी हैप्पी मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। नेक्स्ट लाइन थैंक्स एंड रिगार्ड्स, नेक्स्ट लाइन एंटर करते जाएंगे, नेक्स्ट लाइन फ्रॉम बुशरा खान, टैप करेंगे सेंड कर देंगे, टैप करेंगे जैसे ही सेंड बटन आएगा सेंड कर देंगे। और सेंड करने के बाद 2 मिनट यहाँ रुकेंगे कि कैसे बताएगा स्क्रीन रीडर योर मैसेज हैज़ बिन सेंड, मगर शर्त यह है कि ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। क्या शर्त है? कि ईमेल आईडी सही होनी चाहिए। अब कल कैसे एक राधा मैम को एक नया ईमेल करेंगे, यही देखेंगे। इस बार हमें यही सीखना है कंपोजिशन ईमेल का कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो बी प्रैक्टिस, बी एक्सप्लोर, बी पॉजिटिव, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो, थैंक्स फॉर लिसनिंग। सेंड बटन।